हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गिरीश कुमार भाटी और आप देख रहे हो बेसिक सीरीज का वीडियो नंबर 40 और एक्सपोनेंट सीरीज का वीडियो नंबर 12। इस एक्सपोनेंट सीरीज के अंदर हमने रेशनलाइजेशन भी कवर कर दिया है कि हम किसी भी शर्ड को कैसे सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एलजेब्रा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ही हमारे पास स्क्रीन के ऊपर दो क्वेश्चन हैं, √2 + √3 का स्क्वायर, और सेकंड क्वेश्चन है √3 - √2 का स्क्वायर। तो हम एलजेब्रा के अंदर हमने फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने एलजेब्रा वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारी एलजेब्रा की सीरीज देख लीजिए, करीबन 8 से 9 वीडियोज हैं और उस वीडियो के अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे √2 + √3 का स्क्वायर करना है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल a + b के स्क्वायर के तरह दिख रहा है। तो a + b का स्क्वायर आंसर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे हमारा जो a होगा क्वेश्चन के हिसाब से, अगर a है वो क्या हो जाएगा √2 और b है वो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं a = √2 और b = √3। अब जहां जहां पे a आएगा वहां पे हम √2 लिखेंगे और जहां जहां पे b आएगा वहां पे हम √3 लिखेंगे। तो a है तो मैं √2 लिख रहा हूं, √2 का स्क्वायर प्लस 2 √2 × √3 प्लस √3 का स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर हमने वीडियो नंबर 11 में दिखाया था कि जब भी किसी शर्ड का आप स्क्वायर करते हो तो वो शर्ड निकल जाता है, रूट निकल जाता है। तो आंसर क्या आएगा, 2 + √2 √3। तो 2 √6 + √3 का स्क्वायर करना है, तो ये स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब 3 + 2 = 5 + √2 = 6। तो हमने इस तरीके से a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हुए पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। सेकंड वाला क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। यहां पे √3 - √2 का स्क्वायर दिया हुआ है, बीच में माइनस है तो हम माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पे मैं लिख लेता हूं हमारे लिए इस क्वेश्चन के अंदर a √3 है और b √2 है। तो a है वो √3 हो जाएगा और b है वो √2 हो जाएगा। जहां पे a होगा वहां पे √3 लिखूंगा, √3 का स्क्वायर माइनस 2 √3, b है √2 है प्लस √2 का स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर = 3 माइनस, क्योंकि ये स्क्वायर और शर्ड कट हो जाएगा, 2 √3 √2 √6 हो जाएगा प्लस √2 का स्क्वायर = 2। अब 3 में से 3 + 2 - √6 2 √6 3 + 2 = 5 - 2 √6 ये आपका आंसर हुआ। ये आपके क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक में पहले वाले चैप्टर में ही दिया हुआ है, इवोल्यूशन या इवेल्यूट एंड सॉल्व द फॉलोइंग द शर्ड्स। तो आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाए। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन है, वैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है मगर मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता दूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2 √3 + √5 तो क्या करना है, इसको अंदर भेज देना है। तो 2 √3 + 2 √5, यहाँ पे रूट के अंदर नंबर सेम नहीं है तो ये अनलाइक है, तो आप इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अब ये वाले कंसेप्ट आप इस वाले क्वेश्चन में यूज करोगे और यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, इसलिए मैंने आपको एक बार बता दिया। चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखने के बाद कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि कोई भी नंबर आपस में मैच नहीं कर रहा है। तो हम जैसे हमने एलजेब्रा की सीरीज में बताया था कि हम बाइनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल के साथ कैसे करते हैं, आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो, हमारे एलजेब्रा की सीरीज एक बार देख लीजिए। बाइनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल के साथ किया था,
वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये 2 है, इसके पास ये पूरा ब्रैकेट जाएगा, तो रूट 2 रूट 4 प्लस रूट 5 प्लस, अब ये रूट 3 के पास पूरा ब्रैकेट जाएगा, अब मैंने आपको बताया अभी देखो पहले वाले वीडियो के अंदर ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है वो ब्रैकेट के अंदर जाता है, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे इसके अंदर लेके जाएंगे इसको, तो पहले में क्या हो जाएगा रूट 2 इंटू 4 प्लस रूट 5 इंटू 2 प्लस रूट 3 इंटू 4 प्लस रूट 5 इंटू 3, अब रूट 8 प्लस रूट 10 प्लस रूट 12 प्लस रूट 15। अब इसमें से कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते और ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस ले रहा हूँ आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि अगर ऐसा हुआ कि रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो ये बिल्कुल मुझे मालूम है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या आता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर हमारी ए की वैल्यू रूट 3 है और बी की वैल्यू रूट 5 है, तो मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह सॉल्व करूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा रूट 3 माइनस रूट 5 और रूट 3 प्लस रूट 5। तो आपके फॉर्मूले अगर अच्छे हैं तो आप कहीं पे भी स्टॉप नहीं हो जाओगे, आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बस आपको फॉर्मूले आना चाहिए, फॉर्मूले का फॉर्मेट पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन के साथ आप फॉर्मूला का फॉर्मेट मैच कर लोगे और आंसर तो आपको आई मिल ही जाएगा। देखो वही का वही क्वेश्चन रिवर्स में आ रहा है, यहाँ पे रूट 3 माइनस रूट 2 है, रूट 3 प्लस रूट 2 है, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में नंबर सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। अगर आपने एलजेब्रा की सीरीज ठीक से देखी है तो यहाँ पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ये बिल्कुल a माइनस बी और a प्लस बी को मैच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a हमारा रूट 3 है और b है वो रूट 2 है, तो अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखता हूं तो यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर हमेशा कट हो जाते हैं तो 3 बचेगा, माइनस स्क्वायर और ये रूट कट हो जाता है इसलिए 2 बचेगा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अगर ये क्वेश्चन उल्टा होता जैसे रूट 2 माइनस रूट 3 और रूट 2 प्लस रूट 3 होता तो यहाँ पे माइनस 1 आंसर आता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर दोनों ब्रैकेट के अंदर पहला वाला एलिमेंट है वो सेम है, देखो दोनों ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट रूट 3 आ रहा है और दोनों ब्रैकेट के अंदर जो सेकंड एलिमेंट है वो चेंज है, पहले में रूट 2 है दूसरे में रूट 7 है, तो ये बिल्कुल a प्लस एक्स और a प्लस वाई को मैच कर रहा है, तो a प्लस एक्स और a प्लस वाई का मैंने फॉर्मूला राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। यहां पे हमारी a की वैल्यू बनेगी रूट 3, यहां पे x बनेगा रूट 2 और y बनेगा रूट 7, तो जहां पे a होगा वहां पे रूट 3 लिखना है, जहां पे x है वहां पे रूट 2, जहां पे y वहां पे रूट 7। तो अभी हम यहां पे आंसर लिख लेते हैं ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई ए प्लस एक्स वाई, हमारे पास a था रूट 3 का स्क्वायर प्लस x प्लस वाई रूट 2 प्लस रूट 7 इंटू रूट 3, यहां पे a था प्लस मल्टीप्लाई करना है तो रूट 2 इंटू रूट 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर्स और शर्ट कट हो जाते हैं, 3 प्लस रूट 2 प्लस 7 ये मल्टीप्लाई प्लस नहीं हो सकते, अनलाइक टर्म है इसीलिए आपको इसको अंदर भेजना होगा, तो ये रूट 2 इंटू 3 प्लस रूट 7 इंटू 3 प्लस रूट 14, तो यहाँ पे 3 प्लस रूट 6 प्लस रूट 21 प्लस रूट 14, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से हमने सर के सारे अलजेब्रा के रूल्स के अकॉर्डिंग सर को कैसे सॉल्व करना है वो हमने इस वीडियो के अंदर देखा। अभी हम बात करेंगे कि हम किसी भी नंबर को रेशनलाइज कैसे करते हैं। रेशनलाइज करने से क्या होता है कि कोई भी आप इरेशनल नंबर को आप रेशनल में चेंज कर सकते हो। तो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं आइए हम सीख लेते हैं। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि रेशनलाइज द फॉलोइंग टर्म, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है √5 - √7, मुझे इसको रेशनलाइज करना है। कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए काफी इजी मेथड है। अगर आपने ये सारे पीछे वाले जो मैंने आपको सारे सम करवाए वो पीछे वाले सम आपने ठीक से देखे हैं समझे हैं तो आप इसमें आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो जब भी किसी नंबर को आप रेशनलाइज करते हो तो आप क्या करो कि पहले तो उस नंबर को एज इट इज लिख दो। आप मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे एक लाइन कर दो। अब यहाँ पे जो नंबर्स हैं उसी नंबर को आपको वापस एक बार लिख देना है। यहाँ पे अभी आपको साइन नहीं लिखनी है, सिर्फ नंबर को ही लिखना है। यहाँ पे √5 था, ऊपर नीचे 5 लिख दिया, √7 था, √7 लिख दिया। ध्यान रखना है यहाँ अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आपको प्लस कर देना है और इधर भी प्लस कर देना है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं यहाँ पे माइनस करता। अब मल्टीप्लाई के अंदर ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होता है तो 1 × √5 + 7, तो एज इट इज ये हो जाएगा √5 + √7। नीचे √5 - √7, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर √5 + √7। अब मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा है √5 + √7, a - b a+b। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? a² - b² √5 का² - √7 का² ये रेशनलाइज करना आपको ट्रिग्नोमेंट्री में भी आता है। कभी कभी 10th क्लास के जो एक्सरसाइज है, पहली वाली एक्सरसाइज क्लास CBSE टेक्स्ट बुक की, तो 10th क्लास की जो पहली वाली एक्सरसाइज है उसमें भी आपको ट्रिग्नोमेंट्री की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें भी आपको काफी सारे क्वेश्चंस में साइन कॉस टेन की जो वैल्यूज होती है √2 √3 उसके हिसाब से आपको रेशनलाइज करना पड़ता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए ताकि आपको वहां पर भी प्रॉब्लम्स ना आए। √5 + √7 डिवाइड बाय ये स्क्वायर और सर्ड कट हो जाएगा तो 5 - स्क्वायर और सर्ड कट हो गया 7। √5 + √7 डिवाइड बाय 5 में से 2 गया तो -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हुआ। तो आप ऐसे रेशनलाइज कर सकते हो। हम एक और सम लेते हैं ताकि आपको थोड़ा ठीक से समझ में आ जाए। मैं यहाँ इस बार ऊपर भी कुछ नंबर लूंगा ताकि आपको थोड़ा और भी अच्छे समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे इस बार 3 √2 + √3 ले रहा हूँ और मुझे इसको रेशनलाइज करना है। कैसे करें? तो वही मेथड, पहले तो नंबर आप लिख लीजिए 3 √2 + √3, मल्टीप्लाई करके एक लाइन कर दीजिए। जो नंबर दिए हुए हैं उनको आप लिख लीजिए पहले। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई है तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई 2 + √3, √2 - √3। अब क्या करना है? मैंने आपको मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ और इसी वीडियो में आपको दिखाया है मैंने कि जब इंटीजर होता है तो आप इसको कैसे मल्टीप्लाई कराते हो, इसको आप अंदर लेके जाओ। तो ये 3 √2 - 3 √3 डिवाइड बाय a+b और a - b हो रहा है तो आपको आंसर मालूम है कि इसका आंसर क्या होता है? a² - b² तो यहाँ पे √2
स्क्वायर माइनस रूट थ्री स्क्वायर। अब थ्री रूट टू एज इट इज अनलाइक टर्म है, सॉल्व नहीं होगा, डिवाइड बाय रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर शॉर्टकट हो जाता है तो टू माइनस स्क्वायर शॉर्टकट हो जाता है इसलिए थ्री, थ्री रूट टू माइनस थ्री, टू में से थ्री गया तो वन माइनस बचेगा। अगर आपको एक और स्टेप आगे सॉल्व करना है तो मैं इस माइनस की साइन को ऊपर सेंड कर रहा हूं, तो ये थ्री रूट टू माइनस थ्री रूट थ्री, नीचे वन है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस माइनस की साइन को आप अंदर लेके जाओगे तो अंदर के सारे एलिमेंट की साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस में था इसलिए प्लस में हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा तरीके से लिखता हूं, तो प्लस वाला मैं आगे लिख रहा हूं, माइनस माइनस वाला मैं पीछे लिख रहा हूं ताकि थोड़ा और भी अच्छा दिखे। तो ये इस तरीके से आपका ये आंसर होता है। तो कैसा लगा आपको ये रेशनलाइज वाला वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए। आपके लिए काफ़ी हार्डवर्क किया है, पूरा 8 क्लास का 7 क्लास का सिलेबस हमने जो एक्सपोनेंट है, अल्जेब्रा है, लीनियर इक्वेशन है, पूरा ऑनलाइन कर दिया है। अभी आपको कोई डाउट्स डिफिकल्टीज नहीं रहनी चाहिए, और आपके ग्रुप्स के अंदर इस वीडियोस को हो सके इतना स्प्रेड कीजिए। एजुकेशन में बहुत पावर होती है, जो कोई बच्चा नहीं पढ़ने को उसको नहीं मिल रहा है, उसको रिसोर्स नहीं अवेलेबल हो रहे हैं, तो आप उनको इस ऐसे वीडियोस शेयर कीजिए ताकि वो बच्चे बिना स्कूल जाके भी घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियो हम आगे बना सकें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। हम क्लास 9 की और क्लास 10 की वैकेशन बैच की सीरीज जल्दी ही ऑनलाइन करेंगे, तब तक के लिए हमारा इंतजार कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून विथ अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच।